अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल शहज़ादा। जी तो फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की इस वीडियो में जो डिवाइस लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूँ वो डिवाइस है जी इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट का रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। तो इस बॉक्स के पीछे वाली साइड के ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन इसकी दी गई हैं। तो इन्फिनिक्स ने 3 डिवाइसेस को लॉन्च किया है, इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट और इन्फिनिक्स हॉट 8। ठीक है, तो इसके अलावा हॉट 8 में इसने 2 वेरिएंट्स को लॉन्च किया है। इसका पहला वेरिएंट 2 GB और 32 GB में है और दूसरा वेरिएंट इसका 4 GB और 64 GB में है। ठीक है, तो ये इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट है, ये भी 2 GB और 32 GB में वेरिएंट है। ठीक है, तो 64 GB और 4 GB वाला वेरिएंट अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ, पाकिस्तान में सिर्फ हॉट 8 लाइट और हॉट 8 लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस बॉक्स के पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई हैं, 2 GB और 32 GB इंटरनल स्टोरेज, 2 GB रैम इसकी, और इसके अलावा प्रोसेसर यूज़ हुआ है इसमें MT6580। ठीक है, तो ये 3G सपोर्टेड है। और इसके अलावा सबसे अहम और सबसे ख़ास इसकी बात यह है कि इसमें 5000 mAh की बैटरी इस्तेमाल की गई है। ठीक है, तो 13,000 रुपये की प्राइस टैग में ये डिवाइस आ रही है और 13,000 की प्राइस टैग में ये डिवाइस 5,000 बैटरी के साथ बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है। और इसके अलावा एंड्रॉयड 8.1 इसका वर्जन है और 8 MP मेन कैमरा आपको मिल जाता है जो कि रियर माउंटेड है और फ्लैश लाइट के साथ है ये। इसके अलावा 8 MP फ्रंट कैमरा है और जो कि फ्लैश लाइट के साथ है, और इसके अलावा बैक साइड पे आपको सेकंड कैमरा जो कि क्यू वेगा कैमरा है, तो इसमें बैक साइड पे आपको 2 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा इसका डिस्प्ले साइज़ जो है 6.6 HD रिवोल्यूशन के साथ है। ठीक है, तो चले हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही आपको आपकी डिवाइस हॉट 8 लाइट मिल जाएगी और इसको हम ऑन कर लेते हैं। जब तक ये डिवाइस ऑन होती है तब तक हम बॉक्स की बाकी की स्पेसिफिकेशन पे एक नज़र डाल लेते हैं। इस कवर के साथ आपको सिम इंजेक्टर मिल जाता है, तो इसके बाद इसके अंदर आपको सिलिकॉन पाउच मिल जाता है, एक कवर मिल जाता है। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन बुक्स मिल जाएंगी आपको और वारंटी कार्ड जो कि 1 साल इसकी वारंटी होगी। और इसके अलावा आपको डाटा केबल मिल जाएगी, माइक्रो USB डाटा केबल है। इसके अलावा आपको हैंड फ्री मिल जाएगी, 3.5 mm जैक, काफ़ी बेटर क्वालिटी की हैंड फ्री है ये। और इसके अलावा आपको पावर अडाप्टर मिल जाएगा जो कि 1.2 एम्पीयर के साथ आ रहा है। ठीक है, तो ये फास्ट चार्जिंग स्पोर्टर नहीं है, फास्ट चार्जिंग के लिए आपको अलग से अडाप्टर मार्केट से लेना पड़ेगा। फ़ोन की बात कर ली जाए तो इसकी ब्राइटनेस, स्क्रीन रेवलेशन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ही ज़बरदस्त डिस्प्ले है इसका। और फ्रंट कैमरा डॉट नॉच कैमरा है आपको मिल जाता है इसमें। और इसके अलावा अगर कैमरे की बात कर ली जाए तो बैक साइड पे आपको 2 कैमरे मिल जाएंगे, 2 कैमराज हैं। ठीक है, एक कैमरा 8 MP का मेन कैमरा और उसके साथ QVJ कैमरा। ठीक है, और काफ़ी बेटर और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कैमरा है। तो 13,000 प्राइस में आप जितना के एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से कैमरा रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा फ्रंट कैमरा आपको 8 MP का मिल जाता है। और इसके अलावा साइड राइट साइड की बात कर ली जाए तो वॉल्यूम एंड पावर बटन माउंटेड हैं साथ में। साइड पे नीचे वाली साइड की बात कर ली जाए तो आपको स्पीकर की रिंगर की ग्रिल स्पीकर मिल जाता है। इसके अलावा माइक्रो USB पोर्ट मिल जाती है, 3.5 mm जैक मिल जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा इसका जो कलर है वो ब्लू और पर्पल कलर है, बहुत ही किसी शेप से किसी साइड से आपको ये ब्लू और पर्पल नज़र आएगा। तो इसके अलावा अगर सिम जैकेट की सिम स्लॉट्स की बात कर ली जाए तो इसमें एक नज़र डाल लेते हैं हम इस पर भी, तो आपको फुल फ्लेज सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड सपोर्टेड इसमें मिल जाएगा। आप दोनों नैनो सिम और साथ में मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर फ्रंट कैम की बात कर ली जाए तो इसका फिंगरप्रिंट का रिजल्ट भी काफ़ी फास्ट है, काफ़ी फास्टली अनलॉक करता है फिंगरप्रिंट भी। और अगर फ्रंट कैम की बात कर ली जाए
तो फ्रंट कैम का रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। सिस्टम की बात कर ली जाए अगर तो इन्फिनिक्स हॉट एट लाइट, इन्फिनिक्स और एंड्रॉयड वर्जन इसका 8.1 है, और ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग डिवाइस आपको 13,000 की प्राइस टैग में मिल जाएगी। इसके अलावा इससे पहले एक टेक्नो स्पार्क गो की डिवाइस आई थी जो कि 13,000 की प्राइस टैग में थी, उसमें आपको फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा था और बैटरी भी 5,000 से कम थी, ठीक है, और उसका सिंगल कैमरा था। तो इस हिसाब से ये अब तक की सबसे ज़बरदस्त और 13,000 की प्राइस टैग में बहुत ही अमेजिंग डिवाइस है, बहुत ही आउट क्लास। मैं नहीं जानता कि ये 13,000 में किस तरह से इस स्पेसिफिकेशन को मैनेज किया है इन्फिनिक्स हॉट 8 ने, और 32 GB और 2 GB के साथ 5,000 mAh बैटरी, बहुत ही आउट क्लास और 13,000 की प्राइस टैग में अमेजिंग डिवाइस है ये। तो ये था आज का हमारा अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल टेक्निकल शहजादा पे नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल टेक्निकल शहजादा को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब के साथ में बना हुआ बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।